हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स चल रही थी, जिसमें हमारी दूसरी यूनिट चल रही थी। तो दूसरी यूनिट का ये आपका चौथा लेक्चर है, दूसरी यूनिट का चौथा लेक्चर, तो लेक्चर नंबर 2.4, दूसरी यूनिट का चौथा लेक्चर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम, क्योंकि कल हमारी थी एक थ्योरम रह गई थी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरम भी आ सकती है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 2002 से लेकर 2018 तक कहीं ना कहीं लगातार किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आ रही है आपकी 5 नंबर में। जैसे कि कल हमने इम्पोर्टेंट कराई थी, उसी तरीके की ये थ्योरम है। बहुत ही प्यारी थ्योरम क्या है कि ये कह रहा है द वेक्टर A has constant direction if and only if, if and only if dA vector upon dt A vector cross जीरो, राइट। चलिए, तो ये कह रहा है कि ए वेक्टर यानी कि कोई एक सदिश है जिसके पास में कैसी है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। इससे पहली वाली थ्योरम में क्या कराया था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब की बार क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट डायरेक्शन कह रहा है। क्या कह रहा है, कांस्टेंट डायरेक्शन कह रहा है। तब आपको ये जो कांस्टेंट डायरेक्शन है, किसी के पास में कांस्टेंट डायरेक्शन तभी होगी जब आपका ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर डी टी बराबर जीरो होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि यदि सदिश ए वेक्टर की दिशा नियत है तो सिद्ध करो A वेक्टर क्रॉस D A वेक्टर अपॉन DT इज इक्वल टू जीरो। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन इंग्लिश में दे देगा तो इफ A वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन देन प्रूव दैट A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2002 से लेकर 2018 तक लगातार आने वाला किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा है। दिमाग के सारे स्क्रू खोल लेना इस सवाल को करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बता दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो देखो, हम यहां पे क्या करते हैं कि हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं या इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं थ्योरम का। हम लिखेंगे, हमारे पास में क्या है, ए वेक्टर है, तो हम लिखेंगे ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसने क्या कहा, हमने माना है, माना लेट ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए क्या है, ए सदिश ए वेक्टर का परिमाण है और ए कैप एक इकाई सदिश है, किसका, ए वेक्टर का। समझ पा रहे हो बात को, हिंदी में लिख लीजिए, लिखना चाहो तो क्या है, हिंदी में कैसे लिखोगे, माना सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए तथा इकाई सदिश
हमने मान लिया कि सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए तथा इकाई सदिश क्या है इसका, ए कैप है। तब आपका क्या हो जाएगा, तब बोले तो देन, या तो हिंदी में लिख लेना या इंग्लिश में लिख लेना, ये देन। देन क्या हो जाएगा, आप क्या लिखते हो भाई, कोई भी सदिश होता है वो किस चीज के बराबर होता है, सदिश जो होता है उसके परिमाण और उसकी इकाई यानी कि ये दिशा, ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में परिमाण होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड, और ये अपने आप में क्या होती है, दिशा होती है, ये केवल दिशा बताता है, यानी कि ये होती है आपकी डायरेक्शन किसी भी सदिश में। सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज होती है, तो ये कोई सदिश है, सदिश यानी कि वेक्टर, सदिश बोले तो अपने आप में वेक्टर, तो वेक्टर में दो चीज जरूर पाई जाएंगी, एक परिमाण और एक दिशा, तो परिमाण ये ए हो गया, ए वेक्टर क्या परिमाण है और ये दिशा, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश, ये कैप क्या है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सिर्फ दिशा को बताएगा और इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज का, तो इसलिए यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए, ये समीकरण ए, इसको याद रखना क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज है आगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अब हमारे पास हम इसी चीज को फिर से लेते हैं कि भैया ए कैप बराबर क्या दे रखा है, ए इंटू ए कैप दे रखा है। अब हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है, एटिंग ऑन बोथ साइड, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, इसका करेंगे डी अपॉन डी टी, ये ए इंटू ए कैप, ये चीज इसका देखिए ध्यान से, ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, ये दूसरा फंक्शन, दोनों का अवकलन करिए। अवकलन कैसे करते हैं, हम करते हैं क्या, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, कैप वाले का अवकलन प्लस, अब ये दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन, पहला क्या है डी ए बटे डी टी, ध्यान रखना इन पर कैप नहीं, वेक्टर नहीं लगाना, ये कैप वाला है, पहला फंक्शन दूसरे का कैप वाले का अवकलन प्लस कैप वाला दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, ठीक है। चलिए ये आ गया डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, क्योंकि हमको तो ये क्रॉस वाला, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, हम बोथ साइड में क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ए वेक्टर क्रॉस ये हो जाएगा डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, अब हम इसकी भी ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, पूरा का पूरा ये ए और डी ए कैप बटे डी टी प्लस ए कैप और डी ए बटे डी टी, ये चलिए। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये अपने आप में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला है, ए क्या है, अपने आप में क्या है, परिमाण है, और परिमाण हमेशा पहले लिखा जाता है और दिशा को बाद में लिखते हैं, यानी कोई भी चीज है परिमाण, जैसे लिख रहा तीन ए वेक्टर लिखा हुआ है, या कभी कभी ए वेक्टर तीन ऐसा लिखा देखा है, नहीं, तीन को यानी कि जो मैग्नीट्यूड टाइप का होता है, तीन चार पांच जो भी है वो आगे लिखा जाता है, ऐसे ही ये अपने आप में परिमाण है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ए वेक्टर है, यानी कि ये जो ए है, ए को मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है, और ये अपने आप में क्या आ जाएगा, ये ए वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा, डी ए कैप बटे डी टी, समझ में आई बात, नहीं आई, देखिए मैंने क्या करा है, ये अपने आप में वेक्टर है, ठीक है, ये अपने आप में वेक्टर है, ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट राशि है, दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कांस्टेंट को मैंने बाहर रख दिया, ए वेक्टर क्रॉस ये दूसरा वेक्टर ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म बन रही है ना कैप वाली प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिएगा तो ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम पहले, क्योंकि देखिए ये कैप वाला वेक्टर है, बाकी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं पहले लिख दे रहा हूं,
ये डी ए बट में डी टी कॉन्स्टेंट मैंने पहले लिख दिया, और इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस, और ये आ जाएगा एक है। समझ पाए बात को? देखिए भाई यहाँ पे ये जो है आपका ये भाई, ये परिमाण तो अपने आप में क्या मैग्नीट्यूड है, ये तो अपने आप में कॉन्स्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिशा, जिसमें दिशा होती है ठीक है, वो वेक्टर माना है हमने, ये वेक्टर है ठीक है। तो हमने क्या है, जब ये ए जो है ये अपने आप में कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, इसकी जो मल्टीप्लाई हमने क्या करी, इस कॉन्स्टेंट को इस वेक्टर फॉर्म में कर दी, ये दोनों। अब ये अपने आप में वेक्टर फॉर्म है, इस ए वेक्टर क्रॉस की मल्टीप्लाई, यानी ए वेक्टर की जो मल्टीप्लाई है वो इसमें होगी, तो ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इस ए कैप में हो गई, ये कॉन्स्टेंट मैंने इधर लिख दिया ठीक है। चाहो तो इसको पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या पता चलेगी, आपको ये चीज पता चल रही है क्या, ये देखिए, ये तो आप ऐसा ही लिख दीजिए, ए अपने आप में देखिए क्या है, आप लिखना चाहो तो देखिएगा ध्यान से, ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू रख दो, यहाँ पे भी आप क्या रख दोगे, ए वेक्टर की वैल्यू रख दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो इस ए वेक्टर की वैल्यू रख दीजिए, तो ए इंटू ए कैप क्या आ जाएगा, ए इंटू ए कैप ठीक। चलिए चलो इसको मैं बाद में रखूंगा, पहले इसको कर लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस डी ए कैप बटे डी टी, फिलहाल ये डी ए बटे डी टी ठीक है, ये ए वेक्टर, और इस ए कैप की वैल्यू ये रही क्या है, ए वेक्टर अपॉन के, ये कहां से लिख दी, समीकरण एक से, तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन ठीक है। ये अपने आप में इस इक्वेशन वन का हमने यूज करके ए कैप की वैल्यू रख दी है, ए वेक्टर अपॉन ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता चला है कि ए, देखो इसको भूल जाओ, इन दोनों को देखो जरा, ए क्रॉस ए हमने क्या बताई थी, ए वेक्टर की, इस ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट यदि ए के साथ में होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, ये तो अपने आप में ए, ये ए है डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी ए कैप बटे डी ठीक है। चलिए तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, हमने ये यूज कर दिया। तो अब आपका ये चीज आ गई ठीक है, ये चीज आ गई इसका, और हम यहीं पर हो जाएगा, देखिएगा यहीं पर हो जाएगा, ये यहाँ से आ गए, चलो पहले यहाँ से मिटा दे रहा हूँ मैं, चलिए यहाँ से जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, मैं यहाँ से कितना मिटाऊंगा, केवल ऊपर वाली चीज मिटाऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो मैं इतना ही थ्योरम वाला मिटा दे रहा हूँ पार्ट, यहीं पर हो जाएगा, देखिएगा क्या यहाँ पे देखिएगा ठीक है। तो ये देखिए ये कितना आ गया, ये चल रहा था आपका, क्या चल रहा था, ये ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी, ये चल रहा था। तो देखिएगा आप क्या आ जाएगा, डी ए बटे डी टी और ए वेक्टर क्रॉस, ये स्थिति थी ए बराबर। अब देखो जरा ये आया है, ये तो जीरो खत्म हो जाएगा, ए इंटू ए कैप, सॉरी ए इंटू ए वेक्टर, तो यहां से ए वेक्टर की वैल्यू लिखो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कैप क्या हो जाएगा, ये चीज देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा, ये ए है ठीक है डॉट, इस ए वेक्टर की वैल्यू, इस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू ए कैप, ये ए इसकी वैल्यू आ गई ठीक है, क्रॉस क्रॉस, और ये हो जाएगा डी ए कैप बटे डी टी, ये चीज आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, ए की मल्टीप्लाई में स्क्वेयर हो जाएगा, और ये वेक्टर वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी, ए कैप क्रॉस ए, ये आ जाएगी। समझ पाए बात को, ये ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे ए स्क्वेयर आ गया, और ये है ए कैप, ये क्रॉस, और ये हो जाएगा डी ए कैप बट्टे डी टी, डी ए कैप बट्टे डी टी, ये आ गया ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आगे की चीज देखिए आप, अब यहां से आगे का आपको क्या चीज पता चलती है, देखिए ध्यान से,
ये जो चीजें हैं इनको बहुत ही प्यार से आपको समझना होगा कि ये जो वैल्यू है ये एक ऐप है। एक ऐप मतलब क्या है, एक डायरेक्शन। हमने क्या बताई थी कि ये इकाई सदिश है और इकाई सदिश का काम क्या होता है, डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, यहाँ से हम लिखेंगे ये क्या, चलो इसको भी मिटाना पड़ेगा यहाँ से, देखिए चलिए यहाँ से थोड़ा सा इसकी थ्योरी को और मिटा दे रहा हूँ मैं। हमने क्या बताया था, ए वेक्टर क्या है अपने आप में, ये देखिए दिशा को बताएगा। तो यहाँ पे चूंकि ए कैप क्या है, ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर है आपका, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का काम क्या होता है, दिशा से लेना देना होता है। और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे लिखा था ए वेक्टर हैज, ए वेक्टर हैज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, क्या लिखा था, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन लिखा था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में याद हो तो यही बात कही थी ना, ए वेक्टर हैज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, ये बात लिखी थी कि ए वेक्टर के पास में क्या है, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन है, तभी तो प्रूव कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि ए वेक्टर के पास में क्या है, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन है। तो हम लिख देंगे, मतलब ये हो गया कि ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, अपने आप में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट क्यों हो गया, समझ पा रहे हो बात को, कॉन्स्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन है इसके पास। डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या है, ये अपने आप में डायरेक्शन को सिद्ध कर रहा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही डायरेक्शन को बताना होता है, तो ये अपने आप में कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया कि डी ए कैप बटे डी टी, किसी कॉन्स्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो जीरो आता है। जब ये जीरो हो गया तो देखिएगा, जब ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में पूरा जीरो हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे ए, ठीक है, तब ये देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर, ये देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक, ये देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये आ गया, इसके साथ में, इसके साथ में यानी ए कैप के साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो जीरो क्यों आया, ये डी ए कैप बटे डी टी, क्योंकि ये जीरो इसी के नीचे लिखना है, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा, इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो प्रूव, जीरो प्रूव, ये आ गया। समझ पा रहे बात को, ये जीरो कैसे आया, क्योंकि ये कैप बराबर कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप में यूनिट वेक्टर, यानी कि एक प्रकार से डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का ही मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को बताना है, डायरेक्शन। और क्वेश्चन में ये कहा है कि ए वेक्टर हैज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, यदि सदिश ए वेक्टर की जो दिशा है वो नियत है यानी कि कॉन्स्टेंट है, तब का काम है, तो कॉन्स्टेंट का अपन क्या हो जाएगा, अब जीरो। समझ पा रहे हो, चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, एक ही थ्योरम करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी कमेंट में यदि कोई भी चीज यहाँ से समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करना। अगला वीडियो डाइवर्जेंस कर्ल के ऊपर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी और उसे जरूर देखना। चलिए मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।